तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं पांच ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में जो आप वीडियो शूट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपने मोबाइल से वीडियोस बनाते हैं। अगर पर्सनली मेरी बात करें तो मैं मोबाइल से सारे वीडियो शूट करता हूं। अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये भी मेरे मोबाइल से शूट किया हुआ है, लेकिन आपका जो डिफॉल्ट कैमरा होता है वो आपको इतनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करता, वीडियो शूट करने के लिए इतने अच्छे ऑप्शन नहीं देता। तो इसके लिए आपको यूज करनी पड़ती है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। अगर आप कंफ्यूज हैं कौन सी एप्लीकेशन यूज करें तो वीडियो एंड तक देखना, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और देख लेते हैं कौन कौन सी वो हमारी एप्लीकेशन रहने वाली। तो देखो यार, एप्लीकेशन की बात करने से पहले आपको बता दूं कि कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने डिफॉल्ट कैमरा के साथ में कर सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो नहीं कर सकते हैं। तो क्या कुछ खामियां होती हैं डिफॉल्ट कैमरा के साथ में, अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो के एंड में उनके बारे में जिक्र करूंगा। अभी आपका बिना ज्यादा टाइम खराब करते हुए सिंपली चलते हैं अपनी एप्लीकेशन की तरफ और बात कर लेते हैं। तो सीधा चलते हैं हमारी पहली एप्लीकेशन की तरफ जो कि है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा आपको बहुत ज्यादा लाइट वेट एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, मतलब साइज में बहुत ज्यादा कम है, और इसमें आप काफी सारे काम कर सकते हो। मतलब मैनुअल कंट्रोल्स आपको आपके कैमरा के ऊपर जितने भी होते हैं लगभग सारे मिल जाते हैं, चाहे आपका एक्सपोजर है, आईएसओ है, जूम है, एचडीआर है, या फिर अगर आप चाहें तो आप अपने कैमरा का एंगल भी देख सकते हैं, आपका कैमरा सीधा है टेढ़ा है, वो सारी चीजें भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। फ्रंट बैक कैमरा दोनों इसके साथ में काम करते हैं, आप फोटोज वगैरह भी कैप्चर कर सकते हो। और एक और जो कमाल की चीज मुझे इसके अंदर लगती है वो है एक्सटर्नल माइक का सपोर्ट आपको इस एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिल जाता है। छोटी सी एप्लीकेशन है लेकिन काफी सारी फंक्शनैलिटी इसके अंदर है, इसीलिए मैंने इसको पहले नंबर पर रखा है। बाकी अब बात कर लेते हैं दूसरी एप्लीकेशन की। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो वो आ जाती है सिनेमा एफ V5। अब से पहले मैं अपनी वीडियो शूट करने के लिए इसी एप्लीकेशन का यूज करता था, अब क्यों नहीं करता हूं? तो इसके अंदर कुछ कमियां थी जिनकी वजह से मैंने इसको चेंज कर दिया। लेकिन अच्छी चीजों की पहले बात कर लेते हैं, बुरी चीजों की बाद में करेंगे। अच्छी चीजें, आपको सारे कंट्रोल इसके देखने को मिल जाते हैं। ओपन कैमरा में आपको ज्यादातर कंट्रोल समझ में नहीं आते थे इंटरफेस की अगर बात करें, या फिर आपको सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलते थे। इसमें आपको स्क्रीन पे ही सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एडिशनल फीचर आपको ये मिलता है, आप स्क्रीन पे ऑडियो भी मॉनिटर कर सकते हो कि कितनी ऑडियो आपका जो एक्सटर्नल माइक है या फिर डिफॉल्ट माइक है आपके फोन का वो अभी कैप्चर कर रहा है। कमियों की अगर बात करें तो कमियां इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। पहली बात तो आप इससे फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कुछ केसेस में होता है एक्सीडेंटली आपका फ्रंट कैमरा चल जाता है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश कर ली जितनी मैं कर सकता था, फ्रंट कैमरा को मैं मैन्युअली एक्सेस नहीं कर पाया। इसके अलावा एक और जो कमी मुझे लगी है, वीडियो अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो वीडियो को आप पॉज नहीं कर सकते हो, आपसे वीडियो के बीच में कमियां हो गई हैं तो आपको पूरी वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उसको पॉज नहीं कर सकते, फिर बाद में आप उसको कट करोगे, वो सारी चीजें हो जाती हैं। और एक और चीज जो मुझे लगती है यार, ये जो वीडियो रिकॉर्ड करता है ना उसका साइज मतलब बहुत ज्यादा रख देता है, बाकी जो एप्लीकेशन है वो साइज को कम रखती है। मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता था 4-5 वीडियो में मेरे फोन की जितनी भी मेमोरी होती थी पूरी फुल हो जाती थी, लेकिन बाकी एप्लीकेशन के साथ में ऐसा नहीं है। तो ये कुछ कमियां लगी मुझे सिनेमा FV5 के साथ में। बाकी की सारी चीजें जो अच्छी हैं, जैसे आप सिनेमा FV5 की बात करते हैं तो इंटरफेस वगैरह काफी अच्छा देखने को मिल जाता है सिनेमा FV5 में। और ये एक पेड एप्लीकेशन है, अगर आप इसका फ्री वर्जन यूज करना चाहते हो तो सिनेमा FV5 लाइट आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आप पेड यूज करना चाहते हो तो आप इसको खरीद सकते हो। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो वो है प्रोटेक। अब भाई प्रोटेक के अंदर भी आपको काफी ज्यादा अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर कंपेयर करें सिनेमा FV5 तो वहां पे आपको कुछ एडिशनल चीजें मिल जाती हैं। फ्रंट कैमरा में आप शूट कर सकते हो, वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, बहुत सारे फिल्टर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, ऑडियो मॉनिटर कर सकते हो, ISO, एक्सपोजर, HDR, जूम, सारी चीजें मैनुअली आप कंट्रोल कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन पे आप स्विच कर सकते हो वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। लेकिन एक चीज और है, अगर आप इसके सारे फीचर्स को अनलॉक करना चाहते हो, सारे फीचर्स को यूज करना चाहते हो तो आपको इसे परचेज करना होगा। फ्री में आप इसके कुछ चुनिंदा फीचर्स ही यूज कर पाओगे, और मुझे उम्मीद है उन चुनिंदा फीचर्स में भी आपका सारा काम हो जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन तक इस एप्लीकेशन को भी ट्राई किया अपने वीडियो शूट करने के लिए। तो चैनल पे कुछ वीडियोस हैं जो मैंने इसी प्रोटेक कैमरा वाली एप्लीकेशन के साथ में रिकॉर्ड किए थे। अब नेक्स्ट कैमरा की बात करें तो भाई काफी ज्यादा पॉपुलर है, वो है गूगल कैमरा। आपके फोन के ऊपर अगर सपोर्ट होता है कैमरा 2 API वगैरह इनेबल आपने कर रखा है, नहीं कर रखा था उसके ऊपर भी वीडियोस हैं काफी सारे, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो इस कैमरा को भी आप यूज कर सकते हो अपने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली बात, इंटरफेस काफी ज्यादा सिंपल है, आपको 36 तरह की चीजें नहीं दिखेंगी जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं कि भाई किससे क्या होता है। सिंपल सा इंटरफेस है, यहां पे आपको एक्सपोजर वगैरह के जो कंट्रोल हैं, जूम के जो कंट्रोल है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा आपका एक्सटर्नल माइक है उसका सपोर्ट भी इसमें मिल जाता है, आप माइक के साथ में भी रिकॉर्ड कर सकते हो। वीडियो स्टेबिलाइजेशन काफी ज्यादा अच्छा इसका मिल जाता है, कलर्स काफी नेचुरल से आते हैं, वीडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी से मिल जाती है। तो गूगल कैमरा को भी आप यूज कर सकते हो अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, अगर आपके फोन के साथ में अच्छे से कंपेटेबल होता है। तब नहीं होता तो बाकी सारी एप्लीकेशन उनमें से आप चूज कर सकते हैं। और अब हमारी फाइनल एप्लीकेशन की बात कर सकते हैं जो मैं पर्सनली अब यूज करता हूं, और अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ये भी उसी के साथ में रिकॉर्ड हो रही है। तो ये हमारी एप्लीकेशन है 4K कैमरा प्रो।
तो भाई फ्री वर्जन इस एप्लीकेशन का नहीं होने वाला, पहले आपको बता देता हूँ। पेड एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप इसको 350 रुपये में खरीद सकते हो, फिलहाल के लिए तो यही प्राइस है। और इसके अंदर आपको सारे कंट्रोल, जितनी भी मैंने अच्छी चीज़ें अभी तक बताई थी हर एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। चाहे आपका फ्रंट कैमरा हो, बैक कैमरा हो, आप दोनों एक्सेस कर सकते हैं। आपका पॉज प्ले भी इसके अंदर सपोर्ट करता है, एक्सटर्नल माइक आप सपोर्ट कर सकते हैं, ऑडियो भी मॉनिटर कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे दिख जाते हैं। काफ़ी अच्छा और सिंपल सा इंटरफेस है। इसके अलावा आप शूट करते समय वीडियो का साइज छोटा भी कर सकते हो, ताकि आपको बटन हैंडल करने में आसानी रहे, आपका प्रीव्यू भी आपको बराबर दिखता रहे। और जो आपके वीडियो का साइज होता है वो मतलब नॉर्मल सा रहता है, ऐसा नहीं है कि सिनेमा FB5 की तरह बहुत बड़ी फाइल आपको बना के दे देगा, और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये बेस्ट एप्लीकेशन मुझे अभी तक लगी है, और मैं अभी इसी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी इसी से मैंने रिकॉर्ड की है, तो इनमें से आप कोई भी एप्लीकेशन चूज कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। कोई भी सवाल सुझाव कुछ भी है मन में तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। मुझसे बात करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह से आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूं आपसे आने वाले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।